यहाँ पर ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, ये क्या है लिनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग एंड आर इज क्या पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन और एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर इसके बारे में रोटेशनल चैप्टर के अंदर चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आर और पी का क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए एल क्या होगी यहाँ पर वेक्टर होगी, क्या होगी फ्रेंड्स वेक्टर होगी। तो एक क्वांटिटी की और बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, तब तक के लिए इसको नोट डाउन कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, ले लिया। चलिए चलिए फ्रेंड्स, एक और क्वांटिटी जो है, हालांकि वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी जान लेते हैं। तीसरी है फ्रेंड्स टेंसर राशि, इसको हिंदी में भी फ्रेंड टेंसर ही बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। फ्रेंड्स टेंसर क्वांटिटीज के अंदर हम बात करेंगे, सिर्फ हमें याद रखना है फ्रेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको क्या बोलते हैं जड़त्वाघूर्ण, क्या बोलेंगे जड़त्वाघूर्ण, ठीक है फ्रेंड्स। विद्युत धारा यानी करेंट फ्रेंड्स, करेंट के बारे में फ्रेंड्स क्या कहें, करंट से यहाँ पर दोनों ही हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है और टेंसर भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर 12th लेवल पर अगर बात करें तो स्केलर और हायर लेवल पर टेंसर, ओके फ्रेंड्स। तो खैर इसके बारे में कभी इतना कुछ कंपटीशन में आता नहीं है, कुछ टेंसर क्वांटिटी इज रेयरली सोन इन एनी एग्जाम फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, और आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा फ्रेंड, जिससे डेली की डेली अपलोडिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँचता रहे फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट हम मिलेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के साथ, इनको जानेंगे कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं, उसके बाद यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आज हमने यूनिट्स डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स का वीडियो लेक्चर 1 दिया है, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, बेसिक से एडवांस तक चलेंगे फ्रेंड्स, बेसिक से एडवांस तक क्वेश्चंस भी कराएंगे इम्पोर्टेंट, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, नमस्कार।